हर साल की भांति गांव सिंसरी में बाबा सहजराम के मंदिर पर जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार शिव सिंह शोरावली, ढोलक पर संगति कर रहे भाई सुरेंद्र कुंतल नगला पछांद्रा से, झीके पर संगति कर रहे भाई कन्हैया बाल कलाकार उसरानी से, ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग करता पंडित रोहतास, डीजे साउंड जनूथर से, लीजिए सुनिएगा जिकड़ी भजनों का रंगारंग प्रोग्राम। श्री राधे। तो कवि ने लिखा चार लाइनों में, कैसे मां साहब सुरेंद्र जी क्या बता दिया, सभी से निवेदन, एक बार हाथ जोड़कर, हाथ खोलकर एक बार सहजराम बाबा का जयकारा जरूर दें। बोल सहजराम बाबा की क्या बात। तो कवि लिख रहा है कैसे मां साहब, और मैं धरूं तुम्हारो ध्यान, अजी निरंजन से सतगुरु मेरे सुखास दुलारो गाम, तो आइए जिकड़ी को प्रारंभ करते समय सबसे पहले साखी में क्या बता दिया मां साहब, क्या लिखा। कैसे भैया,
मेरा प्रसंग उस समय का रहेगा जिस समय कृष्ण भगवान साथ में बैठी हुई है सतभामा, और इधर में कृष्ण भगवान सतभामा से कहते हैं कि ए सतभामा, मैं त्रेता के युग में जब राम था तो तुमसे भी सुंदर मेरी अर्धांगनी थी सीता। जैसे ही सतभामा ने सुना, कहा मुरली वाले क्या मेरे श्रृंगार में कमी रह गई, क्या मेरे भोजन में कमी रह गई, आप बार बार सीता की बड़ाई करते हो। कि त्रेता में ऐसी सीता थी। हाँ, तो आज रुक्मणी ने सतभामा ने जब इतना सुना तो कहा कवि ने जब से रच दई सृष्टि विधाता एक अटल सत्व बड़ी भारी है और एक नार को देख खुशी भई कबहू ना दूजी जारी। कह सूरत और श्रृंगार, सूरत और श्रृंगार नार को खुदई लग रहे हो प्यारो और मुस्काए गए हो बंसी। आज जैसे ही सतभामा ने इतना कहा तो मुरली वाले हंस जाते हैं, और आज सतभामा आंखों में क्रोध ला करके और मुरली वाले से कह रहे क्या कह रही भैया क्या लिखा।
कर सुगड़ सुकामुनी सतु भामा मेरो नाम करो पढ़ाई मेरे रूप की यहाँ कहा सीता को स्वामी सबरे जग में। आज जब सतभामा ने इतना कहा तो आज भैया जी क्या कर रही है सतभामा? रिस में भर गए इसमें भर गए नीने कबोली और बेना श्याम की रे प्यारी और मोते करो मिलान क देखूं कैसी अचानक दुला प्रभु।
देखो मेरी नाए समझ में आयो है। जब सतभामा और मुरली वाले जब बातें कर रहे हैं उसी समय गरुण आ जाते हैं और कहते हैं प्रभु एक विनय मेरी भी है। इधर में मुरली वाले कहते हैं कह भाई गरुण तू क्या कहना चाहता है। सतभामा को तो अभिमान है अपने रूप पर, मान के प्रभु मेरे बिना तुम भी अधूरे हो क्यों। सुनिए तो आज गरुण क्या जवाब दे रहा है मुरली वाले के लिए। कैसे भैया क्या कहा गरुण कहे तुम सुन लियो मोहन मत खाली करो फजीता है और त्रेता में मैंने देख ली प्यारी कैसी प्राण न प्यारी सीता है। के लंका में का बीती तुम थी याद करो प्रभु लंका में कहा बीती तुमते याद करो बारन की पर बात कहूं मेरे मन की। मेरे भी मन में एक विचार है उस समय याद करिए आप लंका के अंदर आप दोनों भाइयों के साथ हुआ क्या था। तो आज गरुण देव अभिमान में आके और मुरली वाले से क्या कह रहे हैं क्या लिखा भैया कैसे भैया
को सुना, सुरेंद्र होता क्या है कि श्याम गरुण की बात सुनी तो, श्याम गरुण की बात सुनी तो चक्र सुदर्शन आयो और हाथ जोड़ के मनमोहन ते ऐसे वचन सुनायो। चक्र सुदर्शन भी आ गए और कहा, छोटो मुंह मेरी बात प्रभु सुन लीजो, तुम्हें ना लगेगी अच्छी पर मैं बात कहूंगो सच्ची। मुरली वाले कहते हैं अभी तक तुम्हें सतभामा देड़ जिरो ई गरुण आएगो, कह भाई चक्र सुदर्शन तू का कह रहे हो? कहा प्रभु मेरा भी, मैं भी अपने अंदर एक बात लेके बैठा हूं। क्या लेके बैठा है? तो आज गरुण और सतभामा और चक्र सुदर्शन क्या कह रहा है भैया, क्या कहा मासा? और समय भी सारा समापन हो रहा है, 5 मिनट है तो बस चिंता मत करो, मैं या 12 मास ये सुना दू जाए मिट्टे में जाएगा मेरे को। क्या कहा भैया? हेरे ते मूछन में ता मेरी बात। और भैया जी क्या कह रहा चक्र सुदर्शन, क्या लिखा भैया?